चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और प्रमुख रूप से हमारी आपकी बातचीत लगातार आगे की ओर बढ़ रही थी लखपाल के ग्राम समाज विकास पर, और उसी श्रृंखला में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्व रखते हैं उस पर लगातार अपनी बातचीत को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। और उसी बातचीत को और आगे की ओर बढ़ाते हुए और आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया चैप्टर। और इस नए चैप्टर में जहाँ से हर वर्ष दो से तीन प्रश्न, हर साल दो से तीन प्रश्न और बहुत ही सूक्ष्म बारीक चीजों से एक समझ वाले प्रश्न और एक आपके वहां से मेमोरी लेवल के प्रश्न मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम आप मिलकर के बिना रटे, ध्यान दीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई कार्य नहीं करना है जो आपके लिए बोझ बने, केवल और केवल बातचीत करते हुए हम आप समझ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज के इस हमारा जो हेडिंग है जिसका नाम क्या होगा, राजस्व परिषद। अब चूंकि ये राजस्व परिषद लेखपाल उसका एक अंग होता है और इसकी एक न्यायिक और प्रशासनिक इकाई ढांचा होती है, तो इस पर अपनी एक अच्छी पकड़ भी बनाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा राजस्व परिषद, तो राजस्व को अंग्रेजी में कहते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि राजस्व का मतलब केवल और केवल पैसा नहीं होता है, बल्कि राजस्व का तात्पर्य यहां पर जितनी भी संपत्ति से जुड़ी चीजें होती हैं, जैसे किसान के की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है, किसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है भूमि, तो उस भूमि का लेखा जोखा, भूमि पर उगाए जाने वाले फसल, अब चूंकि फसल भाई भूमि से अब भूमि को तो खाया नहीं जा सकता, उस पर उगा करके फसलें और उस फसल का उपयोग किया जाता है, तो उस फसल से जो उत्पादन होता है, ये सारी चीजें हमारी प्रमुख रूप से क्या होती हैं, राजस्व का हिस्सा होती है। आपको ये पता है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से इस प्रकार के रिकॉर्ड जो आपके गांव में किसानों और ग्राम समाज की संपत्तियों जिसका अधिकार या तो सरकार के पक्ष में है या तो वहां के कृषकों या वहां के जो रह रहे व्यक्ति हैं उनके पक्ष में है, से संबंधित होता है हमारा प्रमुख रूप से क्या, राजस्व। तो चलिए सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्य, मालगुजारी का मतलब ये हमारा सीधे तौर पे क्या है, राजस्व, मतलब मालगुजर, मतलब माल सीधे तौर पे जो संपत्ति है उसके कार्यों की सबसे बड़ी संस्था ही हमारी कौन सी होती है, राजस्व परिषद होती है, या इसी राजस्व परिषद को अंग्रेजी में हम किस नाम से पुकारते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिवेन्यू बोर्ड है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इस लाइन से प्रश्न कहां से बनता है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहीं पर क्या करेगा, एक तो हमारा जैसे राजस्व परिषद है, अब यहीं पे वो कह देगा जिला न्यायालय, वो लिख देगा क्या, जिला न्यायालय, फिर वो यहीं पे लिख देगा आपका क्या, लिख देगा कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और फिर या तो लिख देगा यहाँ पे राजस्व परिषद, राजस्व परिषद, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी डालेगा उपर्युक्त सभी। अब देखिए अब उपर्युक्त सभी आपको लगेगा कि हाँ ये हो ही सकता है, तो ये भी हो जाएगा, कर देंगे और गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीधा सा ये दिया किसको जाता है, सीधे तौर पर दिया जाता है ये राजस्व परिषद को, और इसमें जो न्याय, जो यहाँ पे न्यायिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस न्यायिक शब्द से कोई भी मतलब सीधे तौर पे न्यायालय से नहीं होता है, बल्कि अभी हम आगे इस संस्था की संरचना पर जब अध्ययन करेंगे या इस संस्था की अभी जो हमारी एक जो ढांचा बनता है, इस ढांचा पर जब हम बातचीत करेंगे तो उस ढांचा के अंतर्गत आपको ये समझ में आएगा न्यायिक और प्रशासनिक चीजें क्या है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से क्या बनता है कि
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब किया गया? अब ये देखिए, यहाँ से आपको कंफ्यूजन कराने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब किया गया। तो दोस्त, आप ये बात ध्यान देंगे कि सन 1831 ईस्वी में प्रमुख रूप से स्थापना किया गया, किसका? राजस्व परिषद का। तीसरा प्रश्न कि सन 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना कहां पर किया गया, या इसकी जो इसकी अब ये ध्यान दीजिएगा कि राजस्व परिषद की स्थापना कहां किया गया, तो प्रयागराज में किया गया। अब देखिए, यहां से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, कि जब आप राजस्व परिषद की स्थापना की बात कर रहे हैं, सन तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी जो संस्था की स्थापना किया गया था, तो उस समय ये हुआ क्या करता था? ये हुआ करता था इलाहाबाद। जब ये इलाहाबाद हुआ करता था, तो सबसे पहले इसको पूरी तरीके से स्थापित कहाँ किया गया? इलाहाबाद में, जो वर्तमान समय में हमारा क्या है, तो यह वर्तमान समय में हमारा है क्या? प्रयागराज है। लेकिन बाद में राजस्व परिषद को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक इसका खंड बनाया गया प्रशासनिक, और एक इसका खंड बनाया गया क्या? न्यायिक। और बाद में प्रशासनिक को सीधे तौर पर डाल दिया गया कहां पर? ये इसके यहां पर इसके मुख्यालय अलग अलग कर दिए। ये अभी हम डिटेल्स में इसको हम आपको अभी अच्छे से लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले अगर ये नहीं कहता है, सिर्फ इतना बात करता है, जैसे वो न्यायिक शब्द का यूज नहीं करा। मेरे समझाने का मतलब क्या है कि वो न्यायिक यूज करेगा तो वो अलग हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना कहता है कि राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ किया गया और ऑप्शन में प्रयागराज या इलाहाबाद है, तो आपका लखनऊ उत्तर होते हुए भी सही नहीं होगा। वो सही होगा क्या? प्रयागराज होगा। आगे बढ़िएगा और आगे ध्यान दीजिएगा कि हम नेक्स्ट क्रम पर अगर बातचीत करते हैं, तो आपको ये जानना है कि राजस्व परिषद के कार्यों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, एक और दो। तो आप ध्यान देंगे कि जो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद के कार्यों का जो विभाजन है, यह विभाजन दो भागों में बांट करके किया गया। दोनों विभाग कौन कौन से? एक हमारा प्रशासनिक और एक हमारा कौन सा कार्य है? न्यायिक। ध्यान दीजिएगा, दो कार्य, एक प्रशासनिक कार्य और एक न्यायिक कार्य, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत हम बात करते हैं किसका, ये नोट कर लीजिएगा, कि बंदोबस्त का होता है। मतलब बंदोबस्त मतलब भूमि का जो रिकॉर्ड लेखा जोखा, जो नाम वगैरह हो गया। इसके अलावा भूलेख मतलब उससे संबंधित सभी कागजात का रख रखाव करना, और इसके अलावा जितनी भी वसूली की जाती है, जैसे वो नहर का शुल्क हो गया, वो वहाँ पर जो ट्यूबवेल लगता है, नलकूप का यहाँ पे शुल्क हो गया, इस प्रकार के जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, इस यहाँ पर जितने भी प्रकार के प्रमुख रूप से कर जो होता है, ये इस कार्य किसके अंतर्गत आता है? प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न आपसे ऐसे बनते हैं कि राजस्व परिषद के द्वारा किया गया बंदोबस्त कार्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रशासनिक श्रेणी में या न्यायिक श्रेणी में? तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रशासनिक श्रेणी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कि भूलेख का रिकॉर्ड रखना राजस्व विभाग के किस कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका जवाब होगा किस कार्यों की श्रेणी में? यह प्रशासनिक कार्यों की श्रेणी में प्रमुख रूप से रखा जाता है। इसी प्रकार जितनी भी वसूली होती है, यह वसूली भी हमारा अहम हिस्सा होती है, या ये भाग होता है किसका? प्रशासनिक कार्यों का, ठीक है। बात करते हैं हम न्यायिक कार्य की। तो न्यायिक कार्य के अंतर्गत ये बात ध्यान दीजिएगा कि अपीलीय, मतलब अपीली का मतलब सीधे तौर पे होता है कि जैसे किसी भी
व्यक्ति को इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हुआ कि उसके भूमि पर कोई अधिग्रहण कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, उसके अपने इस प्रकार की संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वह संबंधित अधिकारी के पास अपनी समस्या को पहुंचा सकता है और ये समस्या को सुनना और उस पर उचित कार्यवाही करना राजस्व विभाग का कैसा कार्य है। न्याय, आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, अपील का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं अपनी बात, भाई देखिए ये मेरी एक अपील है, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, तो ये इस प्रकार की बातों को सुनना यहाँ पर हमारे कैसे कार्यों की श्रेणी में आएगा, न्यायिक कार्य की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा दूसरी बात निगरानी, निगरानी इन द सेंस क्या है, जैसे कि कोई ग्राम समाज की जमीन है, अब कोई व्यक्ति गांव का या ग्राम समाज का कोई बाहुबली व्यक्ति है, तो वह बाहुबली व्यक्ति जबरन या जबरदस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जैसे वो किसी राजनीतिक पार्टी से परिचित है, गाँव में प्रधान है, वो अवैध कब्जा किया हुआ है या अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार की समस्त भूमि या इस प्रकार की समस्त संपत्ति जो चाहे किसी व्यक्ति विशेष की हो या वो किसी सरकार विशेष की हो, सार्वजनिक उपक्रम की हो, उस पर पूरी निगरानी रखना और उसके सदुपयोग और उसका जो वास्तविक प्रयोग है उसके लिए निरंतर कार्यशील रहना हमारा न्यायिक कार्य आता है, किसका, राजस्व परिषद का। आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, पूर्वावलोकन, मतलब पहले के डेटा वर्तमान डेटा क्या कहीं धोखाधड़ी से तो नहीं बदला गया, या जैसे कि किसी के व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन है और वह व्यक्ति लंबे समय से बाहर रह रहा है, उसका कोई एक बूढ़ा घर पर है, कोई व्यक्ति बहला फुसला करके, इस प्रकार की चीजें, मतलब निगरानी इन पूर्वावलोकन का मतलब होता है पुराने डेटा नए डेटा में जहाँ असमंजस हो उस पर नजर रखना, नजर रखने के साथ जरूरत पड़ने पर उचित कार्यवाही करना और इस उचित कार्यवाही के माध्यम से ये ग्राम समाज की समस्त प्रकार की संपत्तियों को सुरक्षित रखना एक प्रकार से हमारा कैसा कार्य है, न्यायिक कार्य की श्रेणी में आता है और ये राजस्व परिषद के प्रमुख कार्यों में एक गिना जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा कि जिलाधिकारी जो प्रमुख रूप से जो राजस्व परिषद के अंतर्गत जिलाधिकारी होता है, ये जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी एडीएम की बात कर रहे हैं, फिर उप जिलाधिकारी जिसको आप कहते हैं एसडीएम कहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। चूँकि इस पॉइंट को थोड़ा सा और व्यापक तरीके से हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको देखे अभी जो मुख्यालय की मैंने बात किया, अब यहाँ से मुख्यालय का नजरिया आपका बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा और इसको आप जरूर बना करके अपने नोट्स में रखिएगा, क्या है कि राजस्व परिषद की संरचना क्या है, मतलब संरचना का मतलब बनावट कैसा है, इस विभाग को किस प्रकार के तंत्रों के अंतर्गत निर्मित किया गया है और इसके भाग और भाग का मुख्यालय कहाँ है और उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है, इसको प्रमुख रूप से आपको क्या करना है, ध्यान देना होगा। पहले नंबर पर हम बात करेंगे प्रशासनिक की, तो प्रशासनिक कार्य क्या क्या है, इस पर तो आपने ध्यान दे दिया कि प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत बंदोबस्त हो गया, भूलेख हो गया, मतलब भूलेख का रख रखाव और वसूली हो गए, ये सभी कार्य जो हमारे होते हैं, ये सभी के सभी कार्य जो प्रशासनिक सदस्यों के माध्यम से किए जाते हैं और प्रमुख रूप से ये जो हमारे प्रशासनिक विभाग है, यह प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, तो ये प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय हमारे प्रयागराज में है। लेकिन अब देखिए कंफ्यूजन कहां से होगा, कहता है कि राजस्व परिषद के न्यायिक विभाग का मुख्यालय कहां पे है, लखनऊ या प्रयागराज, तो अब देखिए ये जस्ट उल्टे तरीके से निर्मित किया गया। आप अब चूंकि हाईकोर्ट हमारा कहां है, प्रयागराज में है, आप फट से आपका ध्यान घूम करके कहां चला जाता है, प्रयागराज पे चला जाता है, जबकि देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रयागराज में इसका कौन सा ढांचा निर्मित है, ये हमारा प्रशासनिक है, ये जस्ट उल्टा, इसको आपको समझने की जरूरत है और बारीक बिंदु है जो हमेशा ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और हमेशा 98% विद्यार्थी गलत ही करके चले आते हैं, तो ये हमारा मुख्यालय प्रमुख रूप से कहां हो जाएगा, प्रयागराज, क्लियर है। और इसमें अच्छा ये भी पूछता है कि प्रशासनिक खंड में कितने होते हैं सदस्यों की संख्या, प्रश्न बस ऐसे ही कह देता है कि
प्रशासनिक राजस्व परिषद के प्रशासनिक खंड में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं तो इसका जवाब यहाँ पर आपके निर्मित है कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। एक बात क्लियर हुआ, आगे की ओर बढ़िए। अब जस्ट उल्टा हमने बताया कि अच्छा, अगर आपसे हम जीके का एक प्रश्न कोरिलेट करके पूछें कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे कि लखनऊ है। और हम आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। लेकिन राजस्व विभाग की बात करेंगे तो इसका प्रशासनिक खंड कहाँ पे है? प्रयागराज में। और इसका न्यायिक खंड कहाँ पर है? तो ये इसका न्यायिक खंड कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये इस बात पे बड़ा बारीक रखिएगा। क्यों? क्योंकि यही प्रश्न का अभी मैंने कहा जिस तरीके से उलट जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए, अब न्यायिक सदस्यों के अंतर्गत कुल कितने लोगों को शामिल किया जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि न्यायिक परिषद के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी होती है? 7 होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे? तो दोस्त हमने आपको बता ही दिया कहाँ, लखनऊ। अब कहाँ से ये शुरू होता है? आप देखिए, अभी तक तो डीएम आप जानते थे, लेकिन हमने इसके जो न्यायिक संरचना है पूरे हमने सातों खंड को आपके सामने वर्णित किया। सबसे ऊपर शीर्ष पर राजस्व परिषद के न्यायिक विभाग का सबसे शीर्ष अधिकारी कौन होता है? जैसे हम यहां पर देखिए, प्रश्न एकदम आया हुआ आपके एग्जाम में कि इसका शीर्ष अधिकारी कौन होता है, तो यह ध्यान दीजिएगा कि इसका शीर्ष अधिकारी कौन होता है? मंडलायुक्त होता है। और मंडलायुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है कौन? अपर मंडलायुक्त। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, लेखपाल की हम तैयारी कर रहे हैं। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन कि लेखपाल की जिले में नियुक्ति और इसका ट्रांसफर, नियुक्ति और ट्रांसफर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? संबंधित, देखिए शीर्ष पे ये है लेकिन इसके द्वारा नहीं, सभी के कार्यों की निगरानी करना किसका कार्य है? मंडलायुक्त का। और उसकी निगरानी करने में सहायता कौन करता है? अपर, यहां पर मंडलायुक्त। लेकिन समस्त प्रकार के ऐसे कार्य जो न्यायिक होते हैं या चाहे वो प्रशासनिक खंड से ही क्यों ना कोरिलेट करते हो, संबंधित जिला के जिला अधिकारी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? नियमित, नियम का मतलब होता है, नियमित का मतलब उसके आदेश ही नीचे के अधिकारियों के लिए नियम होते हैं, तो नियमित करना और क्रियान्वयन मतलब आदेश का पालन हो। जैसे वर्तमान समय में सिर्फ इतनी बात कि जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के अंदर सभी प्रकार के चार पहिया वाहन बंद, तो ये नियम भी है और इसका क्रियान्वयन भी है। अब पुलिस चाहे लाठी मारे चाहे वो जो कुछ भी करे, लेकिन आने से रोकना पड़ेगा। तो ये समस्त प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित जिले में किसके द्वारा की जाती है? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। फिर जिलाधिकारी की सहायता के लिए कौन होता है? तो जिला अधिकारी की सहायता के लिए अपर जिलाधिकारी होते हैं, जिनको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? एडीएम बोलते हैं। फिर आगे बढ़िए, अब आपको लग रहा होगा एसडीएम, देखिए एडीएम और एसडीएम में अंतर है। एडीएम सहायता करता है किसका? जिलाधिकारी का। लेकिन अब आइए, अब ये तो जिला स्तर की थी, अब एक शब्द हम यहां पर लिखते हैं ब्लॉक, कि ब्लॉक स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि खंड स्तर पर, तो चूंकि खंड को ही ब्लॉक बोला जाता है अंग्रेजी में, तो खंड या ब्लॉक स्तर का प्रमुख अधिकारी होता है उप जिलाधिकारी, और आप इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसडीएम बोलते हैं। देखिए इस ये जो कुछ भी कर रहा है, सहायता हो किसका रहा? जिलाधिकारी का, लेकिन इसकी नियुक्ति प्रमुख के तौर पर भी की गई है कहां? ब्लॉक।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जिले में जो सीधा केवल सहायता के लिए नियुक्त हुआ है वो हमारा कौन है? अपर जिलाधिकारी। तो राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख न्यायिक अधिकारी कौन होता है? मंडलायुक्त। और इस मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त और जिला अधिकारी नियमों को मान करके आगे का दिशा निर्देश जारी करता है और इसके कार्यों की सहायता, जैसे इसका आदेश पारित करना, बहुत सारी क्रियाओं के लिए ये होता है और ब्लॉक स्तर पे ये। अब उप जिलाधिकारी SDM के अंतर्गत तहसीलदार, तहसीलदार का कार्य क्या है? समस्त प्रकार के भूमि रिकॉर्ड डेटा, जितने भी भूमि से संबंधित डेटा हैं उनका पूर्वावलोकन करना, उनकी जांच करना, बाढ़, राहत, आपदा, समस्त प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करना, ऊपर प्रेषित करना और तहसील की सहायता के लिए रखा जाता है। कौन? तहसीलदार। अब ये जो उप जिला तहसीलदार जो ये कार्य कराते हैं, ये कानून को राजस्व निरीक्षक के माध्यम से, और करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, लेखपाल, जिसकी आप कर रहे हैं क्या तैयारी। तो यहाँ से ये शीर्ष से नीचे से शुरू होकर के ये मंडलायुक्त तक इनके कार्यों की निगरानी जाती है। ये हमारी एक संरचना है राजस्व परिषद के यहाँ पर पद की। अब लास्ट में हम कुछ मोटी मोटा आपके एग्जाम के बिंदु जो देख लेंगे थोड़ा सा, कि कह रहा भूमि, जैसे राजस्व विभाग का कुछ मुख्य क्रियाकलाप, अब प्रशासनिक न्यायिक से थोड़ा सा हट करके आगे की ओर बढ़िए, तो कह रहा भूमि सुधार कार्यक्रम, जैसे आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, भूमि सुधार कार्यक्रम का मतलब एक शब्द आपके आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, होता है पट्टा। पट्टा आता है बार बार, पट्टा क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो सीधे तौर पे ऐसे समझिएगा कि पट्टा का सीधा सा मतलब हो गया, जैसे ये है हमारा क्या, सरकारी जमीन, सरकारी जमीन है। अब इस सरकारी जमीन का ग्राम पंचायत स्तर पर देखभाल और रख रखाव कर कौन रहा है? लेखपाल कर रहा है। और लेखपाल किस विभाग का प्रमुख व्यक्ति है? ये आप कहेंगे किस विभाग का? राजस्व विभाग का। तो अब देखिए इसमें तीन वरीयता होती है, इसमें तीन वरीयता होती है। एक होता है कि सेना, और एक होता है OBC SC ST। अब देखिए समझिएगा बात को, यह संरचना, जैसे सरकार की ग्राम सभा में कोई जमीन है और उस वह जमीन लंबे समय से खाली पड़ी हुई है और उस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और उसी गांव का कोई व्यक्ति है जो सेना में था और सेना में किन्हीं कारणों से वो शहीद हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी दशा पर प्रथम वरीयता दिया जाता है इस सेना के परिवार को। ये निम्नतम लागत, निम्नतम लागत इन द सेंस क्या है कि सबसे निम्नतम शुल्क लेकर के ये जमीन इनको जीने खाने के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाया? पट्टा कहलाया। ये हमारा क्या कहलाया? पट्टा कहलाया। द्वितीय वरीयता किसे दी जाती है? जैसे सेना में कोई व्यक्ति है और वो किन्हीं कारणों की वजह से हो क्या गया, वो हो गया विकलांग, तो पहली वरीयता के बाद दूसरी वरीयता करते हैं कि हम ये पट्टे की जमीन इस विकलांग, जैसे ग्रेनाइट फेंकते समय हाथ चला गया, पैर चला गया, व्यक्ति विकलांग हो गया, तो उसकी और उसके परिवार की आजीविका के लिए द्वितीय वरीयता दी जाती है। और तृतीय वरीयता में आते हैं ऐसे परिवार जिनके पास रहने खाने के लिए जमीन और ऐसे संसाधन नहीं है, तो इनके जीवन यापन के लिए ये भूमि को क्या किया जाता है? पट्टा किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व अच्छा ये कार्य प्रश्न कहां से घुमा रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्व विभाग के पट्टा देने या पट्टा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो 2006 की धारा हमारी कौन सी, 64 में यह प्रमुख रूप से निहित है। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए दूसरी बात कि राजस्व विभाग का एक सबसे प्रमुख कार्य है वह अपने आला अधिकारी, आला का मतलब बड़े अधिकारियों के माध्यम से
सफल बनाना किसको, तहसील दिवस को। तहसील दिवस क्या होता है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह एक जन सुनवाई होती है जो माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पहले सुनवाई किया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में तहसील दिवस का नाम बदल करके इन्होंने, मैं आपको बताया हूँ आप कमेंट करेंगे कि इसका नाम बदल करके क्या किया गया, आप कमेंट करेंगे कि इसका नाम, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। मैं इसके पहले के वीडियो में बताया था कि तहसील दिवस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वो मैं बताया हूँ। तो इस राजस्व परिषद का कार्य क्या है कि वो बड़े अधिकारियों को उपस्थित करना कहाँ, इस प्रकार के मुख्यालयों में, और कब कब, प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को, और इस प्रथम और तृतीय मंगलवार को क्या करना, राजस्व संबंधी सभी समस्याओं को सुनना और उसका क्या करना, निपटान करना। कार्य किसका है, राजस्व परिषद का। तो अब देखिए तहसील दिवस को योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इन्होंने वर्ष 2017 में कहा था संपूर्ण समस्या समाधान, संपूर्ण समस्या समाधान दिवस। क्या कहा था दोस्त, संपूर्ण समस्या समाधान दिवस। तहसील दिवस का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। और इन्होंने कहा क्या, कहा कि प्रत्येक मंगलवार को सुनवाई किया जाना चाहिए। हालांकि ये कुछ दिन तक चला, उसके बाद वापस वही पहले और तीसरे मंगलवार पर ही फोकस होता है, ये चीजें थोड़ी सी औपचारिकता में आ गई। चलिए, और नेक्स्ट, खतौनी का कंप्यूटरीकरण क्या है कि आपको अपनी संपत्ति का अगर ब्यौरा चाहिए, जैसे बहुत सारी जगह होता है, आप खाद लेने के लिए जा रहे हैं या आप कोई ऐसी कार्य कर रहे हैं जो, जैसे लोन वगैरह ले रहे हैं, तो आपको अपने जो कुछ भी जो भूमि संपत्ति है इसका जो कागजात है, इस कागजात का नकल आपको चाहिए होता है, तो आप अपने तहसील पर जा करके आप वहां से, अब देखिए इसका कार्य क्या है राजस्व परिषद का, कि वो आपके भूमि कागजात, जो राजस्व संबंधित जितने भी कागजात हैं उसको ऑनलाइन रखना, और राजस्व के सभी प्रकार के कागजात को ये क्या करता है, ऑनलाइन रखता है। आपको जब भी खतौनी की जरूरत पड़ती है, चूंकि आप में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वकीलों के माध्यम से जाते हैं और लेकर के चले आते हैं, या उनको वो लेते हैं 100, 200, 500 रुपए। अगर आप जाते हैं अपना जोत बही जो होता है, आपके भूमि का जो रिकॉर्ड आपके पास है उसका नंबर अगर आप लेकर के जाएं, तो आप वहां तहसील पर काउंटर में 15 रुपया शुल्क दे करके और इसकी प्रतिलिपि आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी एक ओवरहॉलिंग संरचना थी राजस्व परिषद के बारे में, और मुझे इस बात की का पूरा विश्वास है कि आप इस पे अपनी एक अच्छी समझ और पकड़ बना चुके होंगे। और दोस्त अंत में ये ध्यान दीजिएगा कि आप सभी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा क्या, टेलीग्राम चैनल। इस पर हमारे सभी प्रकार के जो कुछ भी पीडीएफ है ये आसानी से डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और उस पर लिखे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। हमारे सभी कोर्सेज में और प्रमुख रूप से लखपाल में ऑनलाइन बैच प्रारंभ है, और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारी ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रही है कब, 10 मई को हमारी जो ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा चंद्रा इंस्टीट्यूट का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट 30% का ऑफ है आपको 8299310